अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जब से यहाँ पे एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट रिलीज हुआ है CBT 1 का, तब से काफी सारे कैंडिडेट्स को ये क्वेरी है कि CBT 2 का एग्जाम कब होगा, उसकी एग्जाम डेट क्या है। तो गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी ही रेलवे ने एक नोटिस रिलीज किया था ऑफिशियल, जिसके अंदर बताया गया है कि आपका जो CBT 2 एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होगा। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम वो ही देखने वाले हैं कि आपका जो CBT 2 एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं गाइस, ये जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पे 10 मार्च को रिलीज किया है, खुद यहाँ पे रेलवे ने ये रिलीज किया है। अब यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट पे देखेंगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका सेकंड स्टेज CBT होगा वो P Level 6, यहाँ पे जो Level 6 के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनका जो सेकंड स्टेज CBT होगा वो मई के अंदर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि यहाँ पे रेलवे ने ये टेंटेटिव डेट्स दी है, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका रिवाइज रिजल्ट है वो यहाँ पे अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिलीज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेलवे ने उसे पहले ही रिलीज कर दिया, मार्च के एंड में ही यहाँ पे आप सकते रिलीज कर दिया है रेलवे ने ऑफिशियल रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने मई मंथ बोला है कि मई के अंदर आपका जो एग्जाम है Level 6 का वो स्टार्ट हो जाएगा CBT 2 का, तो इसका मतलब ये है कि मई के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे अदर पे लेवल्स का कब होगा एग्जाम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर थोड़ा थोड़ा रीजनेबल गैप दे करके आपको नेक्स्ट लेवल के एग्जाम स्टार्ट होते रहेंगे, जैसे Level 6 का हो गया, उसके बाद आपको 1-1.5 हफ्ते का जैसे गैप मिल गया और उसके बाद आपका यहाँ पे Level 5 का स्टार्ट हो गया। हो सकता है ये गैप 1 हफ्ते का हो और हो सकता है ये 2 या 4 दिन का ही आपके लिए गैप आपको मिले। तो इतना सिंपली आप ये समझ लीजिए कि मई से आपका एग्जाम स्टार्ट है, इन कैंडिडेट्स ने सारे लेवल के लिए क्वालिफाई किया है, उनका तो एग्जाम यहाँ पे आप समझ लीजिए मई से स्टार्ट है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जुलाई में आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, तो ये भी है कि आपका जुलाई से पहले ही सारे लेवल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम आपके लिए नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीने का ही आपके पास यहाँ पे टाइम बचा है। तो इसी 1 महीने के अंदर आपको अपनी CBT 2 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी होगी, क्योंकि कट ऑफ का नहीं पता गाइस, कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा भी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे ये लोग DV के लिए 1:1 के रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे नोटिस निकाल करके ऑलरेडी बता दिया था कि DV के लिए यहाँ पे 1:1 के रेशियो में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मई के अंदर यहाँ पे कंडक्ट होगा और ये ऑफिशियल नोटिस है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अकेडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। वैसे PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन अकेडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं।